अगर आप ड्राइंग के ऊपर कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं या फिर आपके पास एक चैनल है तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए, आपका चैनल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो पे मैं कोई आर्ट नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो, अगर आप ड्राइंग का यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो, अगर आर्ट लेके यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल पहले से है तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो को देखना। अगर वीडियो को अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है तो गाली दे के अनलाइक करके जा सकते हो, बट इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, तो देखिए वीडियो। और जिस लोग मेरा पहला मतलब मेरे चैनल पे पहले टाइम आए हो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ नमस्कार। मेरा नाम है सोम राजा और एक मेरा छोटा सा एक आर्ट चैनल है। और अगर आप भी ड्राइंग लेके कोई यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए। तो मैं कुछ दिन से बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का कॉमेंट पे या फिर दूसरा किसी का वीडियो के कॉमेंट पे सब आके खुद का चैनल का लिंक दे रहे हो और बोल रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, मैं जानता हूँ ये पहले पहले टाइम में भी मुझे भी लगता था ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका अंदर का जो रहता है ना एनर्जी, वो टूट जाता है। मैं जानता हूँ सब कुछ। मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों का सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा और वॉच टाइम भी कैसे बढ़ेगा, तो सुनिए। देखिए, पहले मैं मेरा बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ। मैं YouTube चैनल ओपन किया था आज से डेढ़ साल पहले और तब मेरा ड्राइंग उतना कुछ अच्छा भी नहीं था। यहाँ पर देखिए ऐसा ड्राइंग था, क्योंकि मेरा कोई फैन नहीं था, जो सिखाऊँ मैं YouTube देख के सिखाऊँ। और उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरा ड्राइंग है ऐसा, अभी नहीं, ये 5 महीने पहले का ड्राइंग है ऐसा। और एक साल मतलब मेरा YouTube चैनल ओपन करने के बाद 1 साल 2 महीने के बाद मेरा ओनली 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। मतलब सोच सकते हो कितना, मतलब 200 वीडियो अपलोड हो जाने के बाद 1K सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हुआ है मेरा चैनल का। तो कैसे हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम आया है मैं सब बोलूँगा, और आपको क्या करना है सब बोलूँगा। देखिए, कुछ दिन से तो मेरे चैनल पर कॉमेंट आ रहा है कि आपका इतना व्यू कैसे हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरा व्यू इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 1, 2, 4, 5K तक जा रहा है, या फिर किसी किसी वीडियो पे अगर लक अच्छा रहा तो 10K चला जाता है, तो भी बहुत कम व्यू है, ठीक है, उतना बढ़िया व्यू नहीं है। और हाँ, ये व्यू अच्छा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल ओपन किए हो, जिस लोगों ने मतलब आप में से जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल ओपन किए हो उन लोगों को लग रहा है मेरा व्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका व्यू आ रहा है 10 व्यू या फिर 100 व्यू आ रहा है, ऐसा करके व्यू आ रहा है। तो मेरा भी आता था और मेरे पास एक कोई फ़ोन नहीं था, मेरे पास एक नॉर्मल फ़ोन था, ठीक है, जो रहता है ओल्ड फ़ोन जैसा, वो फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता था। और अभी तो मैं रात में बैठ के भी ड्राइंग रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 लाइट बना लिया हूँ, बट पहले मैं सुबह को बैठता था और शाम को उठता था ड्राइंग करके। और अगर आपका चैनल पर आपको भी अच्छा खासा व्यू चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो ये एक बात आप माथा पे ढुका लो कि मुझे मिनिमम 6 महीना बिना व्यू का, बिना सब्सक्राइबर का, मुझे हर वीक में 3 वीडियो मिनिमम अपलोड करना ही है, 3 से कम नहीं है। अगर 3 से कम वीडियो अपलोड करोगे तो इस टाइम पे जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल हाई है, इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, ठीक है। सब्सक्राइबर सब कुछ नहीं होता। देखिए, अभी मैं जानता हूँ आप लोग आके किसी वीडियो पे कमेंट में बोल आपके चैनल का लिंक दे रहे हो और बोल रहे हो देखो मेरे वीडियो को, देखो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और या फिर और किसी सोशल मीडिया साइट पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे करके कुछ साइट पर आपका लिंक दे रहे हो और बोल रहे हो सब्सक्राइब कर लो, फिर आपका रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में आपका लिंक भेज रहे हो, बोल रहे हो सब्सक्राइब कर लो। इससे अगर सब्सक्राइब आपका बढ़ेगा भी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपना लोग कभी भी वीडियो नहीं देखते, पहले टाइम देखेगा, सेकंड टाइम देखेगा, थर्ड टाइम देखेगा, उसके बाद छोड़ देगा। और अगर वो लोगों को आप बोलेंगे कि प्लीज़ भाई वीडियो को देख लो, ओपन करेगा आपका वीडियो, ठीक है, ओपन करेगा, एक लाइक देगा, वीडियो को स्किप करके देखेगा, लास्ट पे जाके देखेगा, हो गया, उसका वीडियो का काम तमाम हो गया,
छोड़ दिया और नहीं देखेगा। इससे आप लोगों को लगेगा कि मेरा वीडियो पे व्यू भी आ गया, लाइक भी आ गया, चलो ठीक है, बट इससे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है आपका वीडियो पे। हाँ सच में, आपका वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल ओपन किए हो तो आपका वीडियो अगर 5 मिनट का होगा वीडियो तो मिनिमम 2.5 से 3 मिनट तक किसी को वॉच करना चाहिए, जो भी देख रहा है उन लोगों को वॉच करना चाहिए। तब YouTube को पता चलेगा कि इस वीडियो से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और वो रैंडमली और दूसरे लोगों का होम स्क्रीन पे आपका वीडियो पहुंचा देगा। अगर किसी ने सिर्फ वीडियो ओपन किया, लाइक किया, निकल गया तो क्या होगा? आपको लग रहा है लाइक आ गया वीडियो पे, व्यू भी आ गया, बट कुछ नहीं हुआ। सच में यही रियल बात है। अगर किसी ने आपका वीडियो नहीं देखा, सब्सक्राइब कर लिया, थोड़ा ही देखा और निकल गया तो वीडियो पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है और नेक्स्ट टाइम यूट्यूब आपका वीडियो को दूसरे और जगह पे नहीं भेजेगा, तो ये बात ध्यान में रखना है। ऐसा होता है यूट्यूब पे। और दूसरा है, आप वीडियो में जो भी करेंगे रियल करेंगे, अच्छे से करेंगे, मेहनत से करेंगे और वीक में मिनिमम 3 वीडियो तो अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आर्ट चैनल है, यहाँ पर सब्सक्राइबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वॉच टाइम भी कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1K सब्सक्राइबर तो आपका हो जाएगा बट 4000 घंटा वॉच टाइम मतलब 4000 वॉच टाइम होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, जो मुझे भी आया था। इसलिए देखिए, एक कोई कॉमेडी चैनल नहीं है जहाँ पर अगर पहले से वीडियो को नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल एक आर्ट चैनल है, यहाँ पर अगर आप टाइम लैप्स वीडियो अपलोड करोगे तो कोई पूरा नहीं देखेगा, बहुत सारे लोग होता है जो क्रॉप करके देखता है, मतलब स्किप करके देखता है, तो ऐसे करके देखने पे वीडियो के ऊपर उतना ज़्यादा वॉच टाइम नहीं आता और बैड इफेक्ट पड़ता है। और इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, और पहले टाइम जब आप यूट्यूब पे आर्ट रिलेटेड वीडियो का चैनल ओपन करते हैं तो उतना ज़्यादा ट्यूटोरियल नहीं करते, ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका चैनल में, ट्यूटोरियल के ऊपर ही आपका चैनल डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप टाइम लैप्स वीडियो करोगे तो स्किप करके देखेगा, अगर ट्यूटोरियल करोगे तो फुल देखेगा, कुछ प्रॉब्लम आया है तो, मतलब मेरा अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका ट्यूटोरियल मैं फुल देखूंगा, स्किप करके देखूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए ट्यूटोरियल बनाऊं। और जब हम लोग ड्राइंग लेके यूट्यूब पे पहले बार चैनल ओपन करते हैं तो उतना कुछ पता नहीं चलता है, पता नहीं रहता है, हम लोग सोचते हैं सिर्फ टाइम लैप्स वीडियो ही अपलोड कर देते हैं, उससे व्यू आएगा, सब्सक्राइबर आएगा, तो उससे अच्छा वॉच टाइम नहीं आएगा, तो ट्यूटोरियल बनाऊं। और नेक्स्ट है, वीक में 3 वीडियो तो अपलोड करना है, ऐसे करके 6 महीने मिनिमम काम करते जाना है बिना कोई व्यू सब्सक्राइबर के बारे में सोचते हुए, 3 महीने काम करते जाना है, उसके बाद आप देखना कि आपका वीडियो पे रिस्पॉन्स आएगा। मेरा भी आया था, मेरा तो 8 महीने लग गया था एक कुछ सब्सक्राइबर बनने में, ठीक है, कुछ सब्सक्राइबर बनने में मेरा 8 महीने लग गया था, मेरा 6 महीने में 200 सब्सक्राइबर हुआ था, ओनली 200 सब्सक्राइबर, सोचिए कैसा प्रॉब्लम आया था। और हाँ, अगर आपका पास लक होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लक होगा, तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है। अगर एक बार वायरल हो गया तो कोई बात नहीं, आपको वॉच टाइम भी आ जाएगा, वीडियो पे सब्सक्राइबर भी आ जाएगा, बट अगर नहीं हुआ तो आपको काम करते जाना है, वायरल के बारे में मत सोच के, सिर्फ काम करते जाना है। और रुकिए, बोलता हूँ और थोड़ा क्या सोच रहा हूँ, जो जो प्रॉब्लम मेरे को आया है मैं आपको साथ बोलूँगा। और हाँ, अगर आप मतलब अगर आपका ड्राइंग उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है कि मेरा ड्राइंग उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लूँ, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आपका जो भी ड्राइंग है उससे आपका यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप धीरे धीरे देखिए, यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद आप टच पे रहेंगे ड्राइंग का, और आपको ये पता है कि मुझे वीक में मिनिमम 3 वीडियो अपलोड करना ही है, तो हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ड्राइंग, और करते 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 खुद ब खुद आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर आएगा, पेशेंस आएगा, और अच्छे से आप लोग ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। देखिए, मेरा यहाँ पर पहले ड्राइंग ऐसा था और दूसरे टाइम ऐसा हुआ, वो कैसे हुआ, सिर्फ मेरा प्रैक्टिस से। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद ब खुद आपका ड्राइंग धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और हो सके तो एक और टिप्स मैं बोल रहा हूँ, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपका वीडियो, अगर करेंगे तो आपको तो ये पता नहीं चलेगा कि वो आपका वीडियो को फुल देख रहा है कि नहीं देख रहा है, अगर फुल नहीं देख रहा है तो बैड इफेक्ट पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपका चैनल नया चैनल है तो क्या कर सकते हैं आप।
आपका मम्मी पापा या फिर एक फ़ोन से पांच ईमेल कनेक्ट करके पांच अकाउंट आप खोल सकते हैं, ठीक है। सब अकाउंट खोल लेना, उसके बाद आप खुद का वीडियो खुद ही वॉच करना। हर दिन जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आप 20 टाइम तक 20 बार वॉच कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप नोटिस करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे आप वॉच करेंगे तो कुछ देर बाद, एक दिन बाद आपका वॉच देखिए मतलब व्यू देखिए अचानक बढ़ गया, ऐसा ही होगा, क्योंकि वॉच टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है वीडियो पे। आप खुद का वीडियो खुद देखिए, मम्मी पापा या फिर किसी का फ़ोन लेके चला देना और रख देना, पूरा वॉच कर लेना, यही बहुत बेस्ट होगा। मैं तो ऐसा ही करता था और लास्ट पे मैं ऐसा ही किया था और ऐसा करके मेरा चैनल हुआ है। और हो सके तो किसी के पास, किसी को ये मत बोलना कि भाई एक सब्सक्राइबर दे दो, मेरा चैनल का लिंक दे दे, आप आपका चैनल का लिंक दे दिए हो और बोल रहे हो सब्सक्राइबर दे दो। तो ऐसे करके अगर कोई सब्सक्राइब भी करेगा ना तो आपका वीडियो नहीं देखेगा। जब आपका वीडियो कोई देखेगा, बहुत टाइम से देखेगा, तो दूसरे लोगों के पास भी रैंडमली पहुंच जाएगा आपका वीडियो और ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं सच मन का बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ मेरा सब्सक्राइबर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, बट कुछ तो हुआ है ना। एक टाइम ऐसा भी था कि ओनली 2 सब्सक्राइबर के लिए मुझे 1 महीना वेट करना पड़ता था, तब जाके मेरा 2 सब्सक्राइबर देखता था मैं हो रहा है। अभी मेरा एक दिन में 50-70 सब्सक्राइबर हो जाता है, किसी किसी दिन में 30 होता है। देखिए धीरे धीरे जब ग्रो करेगा तो हो सकता है और भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई, किसी को पकड़ के सब्सक्राइबर अगर कराओगे तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपके यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाएगा, सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएगा, वो ऐसे भी आ जाएगा। आप जितना एफर्ट लगा के मेहनत करके इसको उसको पकड़ के सब्सक्राइब कराओगे, हो आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, 5 सब्सक्राइबर के लिए आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो 5 टाइम आपका ड्राइंग पे दो तो ड्राइंग डेवलप होगा, और एक दिन देखोगे आप, आपका 5 मिनट के अंदर 10 सब्सक्राइबर बढ़ जा रहा है और किसी को भी नहीं बोलना पड़ता है। और ऐसा करके अगर बोलोगे ना तो अंदर से एक मतलब कॉन्फिडेंस चला जाएगा, एक वेट लेके काम करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे तो पता है 6 महीने मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ मेरा ड्राइंग पे फोकस देके, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे वीडियो पे फोकस देके काम करना है। वो जब होगा तो होगा। अगर आपका चैनल पे 100 वीडियो है तब देखोगे आपका चैनल ऑटोमेटिक कुछ होगा, मतलब इम्प्रूव होगा, आपका चैनल में ग्रो होगा। तो मेरा चैनल पे इतना दिन में मेरा चैनल पे 250 से भी ज़्यादा वीडियो है और 50 से भी ऊपर का वीडियो मेरा प्राइवेट किया हुआ है, क्योंकि तब मेरा फ़ोन का उतना अच्छा कैमरा नहीं था, तब मैं उतना अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, तो मैं सब प्राइवेट कर दिया हूँ। तो सोचिए टोटल 300 से भी ऊपर का वीडियो है मेरा इस 1.5 साल में, 8 चैनल पे 300 से भी ऊपर वीडियो है। मतलब सोचिए हर दिन, मतलब हर 2 दिन में बोल सकते हैं एक वीडियो, उससे भी कम, मतलब मैं हर दिन वीडियो लेकर बैठता था पहले और अभी भी मैं करता हूँ। तो सोचिए कितना ज़्यादा खाटना पड़ता है। और 8 चैनल ग्रो नॉर्मल कॉमेडी चैनल के मुकाबले थोड़ा कम ही होता है, मतलब थोड़ा कम जल्दी से होता है, बट होता है, धीरे धीरे होता है। तो अगर आप एक ड्राइंग यूट्यूबर बनना चाहते हो तो धीरे धीरे पेशेंस लेके काम कीजिए। और ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका भी ड्राइंग यूट्यूब चैनल है वो मेरा इस वीडियो के नीचे आके कमेंट पे उनके चैनल का लिंक दे सकते हो। 24 आवर्स के अंदर उन चैनल में 5 सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये मेरा वादा है, मैं कर दूंगा सब्सक्राइब। बट इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कर तो दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं वॉच नहीं कर पाऊँगा आप लोगों का वीडियो, ठीक है, क्योंकि मेरा एक फ़ोन है, एक फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, एक फ़ोन से एडिट करता हूँ और दूसरा भी काम रहता है। बट मैं सब्सक्राइब कर दूंगा। और अगर आप करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो का नीचे कमेंट पे आके आपका चैनल का लिंक दे देना। 24 आवर्स के अंदर मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर लूँगा और आपका 5 अकाउंट से मैं सब्सक्राइब करूँगा, मेरा 5 अकाउंट से मैं सब्सक्राइब करूँगा। इसके लिए आपका 5 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। बट इससे कुछ नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सब्सक्राइबर सब कुछ नहीं है, वीडियो को वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात ध्यान में रखना कि किसी और को जिसको आप आपका वीडियो का लिंक दे रहे हो सकता है आपका वीडियो फुल वॉच नहीं कर रहे या फिर आधा भी वॉच नहीं कर रहे, तो आपका वीडियो खराब डायरेक्शन पे जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप 3-4 ईमेल से आपके यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो, मामी पापा का फ़ोन से
10 बार 20 बार एक वीडियो को बार बार देखो, देखोगे धीरे धीरे आपका वीडियो ऊपर चला जाएगा, किसी को भी शेयर करने का ज़रूरत नहीं है। तो यही था इस वीडियो पे, अगर कुछ गलती हुआ है मुझसे तो सॉरी, मैं किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता था। एक टाइम आया था कि मैं भी सौरभ जोशी भाई को बोला था कि दादा मेरा 1 साल से भी ऊपर, सॉरी 7 महीने से भी ऊपर का टाइम हो गया है, मेरा चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दो ना। तो वो भी मुझे ऐसा करके समझाया था तब, सौरभ जोशी आर्ट, आप लोग जानते होंगे उसको, उनको बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया था तब, गुस्सा नहीं मतलब खराब लगा था कि आप इतना बड़ा यूट्यूबर हो, अगर थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, मेरा मन मन में मैं बोला था, तो आपका क्या जाएगा, मेरा कुछ हो जाएगा ना। तो वो बात मुझे थोड़ा ख़राब लगा था, बट मुझे आज समझ में आता है वो उन्होंने जो कहा था वो बहुत ही ठीक कहा था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं भी थोड़ा बहुत 1.5 साल से मुझे समझ में आया है क्या है। जानता हूँ मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरा लक बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मेरा कोई भी वीडियो उतना अच्छे से मतलब वायरल नहीं हुआ, और मेरा इतना 250 से भी ऊपर का वीडियो हो गया। आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं अभी का वीडियो और ओल्ड वीडियो कितना ख़राब करता था मैं पहले। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कीजिए काम, हो जाएगा, कोई बात नहीं, और मैं हमेशा आपको आपके साथ हूँ। और जैसे बोला आप कमेंट पे आपका लिंक दे देना, सब्सक्राइब हो जाएगा और मैं ही कर दूँगा सब्सक्राइब मेरा 5 अकाउंट से, मतलब मम्मी पापा सबका मिला के। और यही है तो, और हाँ अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया ना, तब आप खुद का वीडियो कभी भी मत देखना, क्योंकि अगर आपका खुद का वीडियो देखोगे तो आपका चैनल का CTR बढ़ जाएगा और चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद आप खुद का ईमेल मतलब खुद का अकाउंट से आपका वीडियो कभी भी मत देखना, चैनल बंद हो जाएगा मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। और कुछ अगर प्रॉब्लम रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पर बोलना। तो यही बात है, अच्छे से काम कीजिए, ध्यान लगा कर काम कीजिए, खुद का वेट रखिए, ताकत से जुनून रख के काम कीजिए, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो यही है, देखा होगा नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, लव यू, बाय।